15 लाख स्क्वायर फुट का बिल्डिंग बनेगा और शानदार बिल्डिंग बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं मोहम्मद कि आप काम टाइमली करेंगे और मैं पूरी तरह से आपको आज यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद चलूंगा, बलाला भी चलेंगे हमारे साथ, असद भाई भी आएंगे। हुकूमत तो बनना ही बनना है, लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा हमें उम्मीद है। और चल के बाकी दुनिया में जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको भी अट्रैक्ट करेंगे हैदराबाद, उनको भी कहेंगे कि आज मलकपेट से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जैसा असद भाई ने कहा, जो बच्चे यहाँ बैठ के गाड़ी में हाईटेक सिटी जाके काम कर रहे हैं, उनको वहाँ जाके काम करने की नौबत ना पड़े, यहीं पे उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और घर से बहुत पास में उनका आना जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि 36 महीनों में ये कंप्लीट करके एक गिफ्ट के नाते, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब यहाँ आते थे मलकपेट की तरफ, सबसे बड़ी इमारत थी वो मलकपेट टीवी टावर। मैं उम्मीद करता हूँ मलकपेट टीवी टावर को लोग भूल जाएंगे और जो ये जो 30 मंजिल वाला आज ये न्यू टावर है, इसको याद रखेंगे और बोलेंगे कि भाई मलकपेट का पहचान है यहाँ की आईटी टावर। शुक्रिया आप सभी का। जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे लीडर्स के लिए, उनके विजन के लिए, फॉर बीइंग आवर बिग सपोर्ट सिस्टम, एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। विद दिस नाउ आई रिक्वेस्ट, मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर इरफान रफीक, फाउंडर ऑफ फिनजार्स, टू प्रेजेंट वर्ड ऑफ थैंक्स। ओवर टू यू सर। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डिग्नेटरीज। आई स्टिल रिमेंबर सर, 2 years बैक वी मेट यू अलॉन्ग विद मोहम्मद अली, लेड बाय सदर साहब्स विजन एंड बलाला साहब्स कंपनी, एंड इट टुक अस 2 years टू क्यूरेट दिस प्रोजेक्ट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन दैट द कंसोर्शियम दैट वी हैव नाउ इज बैक्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बट वॉकिंग दिस पाथ टूडे विद दिस प्रोजेक्ट आर YFC, our group company, and Verma Constructions. Verma Constructions specializes in the IT side and the technology side. YFC is one of the major guys operating in the Northern Metro. So what we are also looking at today, as founders of Finzas, we are trying to put up a team which gets into transformational infrastructure and also walk a fusion path which integrates now reality with technology and landed asset valued journey. And this under a specific umbrella of PPP, the government participation, I think that brings in a lot of growth and capital attraction to Hyderabad. And Hyderabad today and Telangana today is the hottest destination as we travel the world. Earlier, Hyderabad ka naam bahut kam log jante the pure world mein. Aaj KT Ramarao sahab ki taraf se jo hai, we have Hyderabad on the tip of every foreign national who is into finance.